देहरादून में टप्पेबाजों द्वारा लगातार हो रही ताबड़तोड़ चोरियों के आरोपियों तक पहुंचने में दून कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को सफलता हाथ लगी। पुलिस और एसओजी टीम ने सघन चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन से साउथ इंडियन तमिलनाडु गैंग के 8 युवकों को गिरफ्तार किया, साथ ही 2.5 लाख की कीमत का चोरी का सामान भी बरामद किया। गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बताया कि ये गैंग पार्क और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों पर नजर गड़ाए रखते थे और गाड़ियों के शीशे तोड़कर कीमती माल पर हाथ साफ कर देते थे। यहाँ पर 5 घटनाएं एक साथ हुई। घटनाओं का जब सीसीटीवी फुटेजेस और अवलोकन किया गया तो ये चीज और पुरानी इस तरीके के गैंग्स की मोडस ऑपरेंडी को देखा गया तो ये चीज सामने आई कि इसमें इन्वॉल्वमेंट साउथ इंडियन का हो सकता है, कि साउथ इंडिया के रहने वाले कुछ व्यक्ति का हो सकता है। उसी पर काम करते हुए ये चीज सामने आई कि इसमें एक साउथ इंडियन गैंग तमिलनाडु बेस्ड है जो कि इसमें एक्टिव हो सकते हैं। उसी इस क्रम में जो है, क्योंकि ये 5 घटनाएं घट चुकी थी, 23 तारीख को इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो 8 लोग हैं ये तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं और जिला त्रिची को ये बिलोंग करते हैं। इनके पास से जो लैपटॉप और जो कैमरा डब्बेबाजी में गए थे और जो मोबाइल फ़ोन गया था वो बरामद हुए हैं। 3 लैपटॉप और एक कैमरा और एक मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद हुआ है और ये तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। इनका जो गैंग लीडर है वो दीपू है और इनको जो है आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ इनको PCR पर लेकर और अगर इनके कोई और साथी हैं तो उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ इनके द्वारा और कहां पर ये घटनाएं की गई हैं उसके बारे में भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी।